ये हो गया हमारा मैदा, इसमें ये डालेंगे परफेक्टली ब्लूम पेस्ट। इसका बनाई है हमें डोर। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, इसको इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से। ये हो गया हमारा आटा तैयार पिज़्ज़ा के बेस के लिए। इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। इसको हम रख देंगे गर्म जगह पे ढक के। तैयार है हमारा यम्मी पिज़्ज़ा। अब इसको हम कट करेंगे, स्प्रिंकलिंग करेंगे हम पिज़्ज़ा सीजनिंग। और चिली फ्लेक्स ये है हमारा यम्मी।